श्री रामोजी राव के निधन से आज पूरा राष्ट्र दुखी है। पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शोक की लहर है। वो एक सच्चे पत्रकार थे, एक निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार जिन्होंने खबर के लिए कभी किसी से समझौता नहीं किया। उनका एक ही मूल मंत्र था, निष्पक्ष और स्वतंत्र खबर ही जीवन है। आंध्र और तेलंगाना में राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जीवन भर लड़ते रहे। उनकी अंतिम लड़ाई जगन सरकार से थी, जिसका अभी कुछ ही दिन पहले पतन हुआ है। संयोग से 3-4 दिन पहले मेरी फ़ोन पर उनसे बातचीत हुई। वो इस बात से खुश थे कि अब एक प्रगतिशील सरकार, चंद्रबाबू नायडू की सरकार, हैदराबाद में आ रही है। उनसे बहुत स्नेह था उनका। सचमुच पूछा जाए तो नायडू एक दत्तक पुत्र की तरह हैं रामोजी राव के। वे उन्हें प्यार से बाबू कहते थे। लेकिन एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि 12 जून को चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही रामोजी राव हम सबको छोड़कर चले गए। वो क्षण, वो पल नायडू की वापसी का वो नहीं देख सके। सचमुच वो वन मैन आर्मी की तरह थे। मुझे भी लंबे समय तक श्री रामोजी राव और उनके प्रमुख सहयोगी बापी नायडू के साथ काम करने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य था। आज रामोजी राव हमारे बीच नहीं हैं, हम उन्हें मिस कर रहे हैं। दुख और पीड़ा की इस घड़ी में मैं फर्स्ट इंडिया, भारत 24 और देश के सभी ईटीवेंस की ओर से इस अवसर पर श्री रामोजी राव को प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। ओम शांति।